तो गाइज आज मैं आपको एक ऐसे पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, यानी कि आप यहाँ पे जो आपकी विन रेशियो है वो 80% तक जा सकती है। और ये प्राइस एक्शन पैटर्न है, इसे बोलते हैं कहीं लोग एम पैटर्न, कहीं लोग बोलते हैं इसको डबल टॉप पैटर्न। क्या ये पैटर्न है और कितना प्रॉफिटेबल है, इस वीडियो को जरूर देखना। सही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है इसमें, और ये यहाँ पे बीटीसी के अंदर भी काम करेगा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी पूरा काम करेगा, और स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको पैसा देने वाला है, इवन कि आप गोल्ड में भी इसे ट्राई कर सकते हो। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे आज हम लोग एम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ इसके रूल्स भी हैं कि किस हिसाब से आपको इसमें ट्रेड लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। गोल्डन रूल भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, किस हिसाब से कब ये एम पैटर्न यहाँ पे जो है सटीक होता है, कब यहाँ पे इसके फेल होने के चांसेस होते हैं, ये वीडियो के मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कीजिए, मोटिवेशन बढ़ाइए हमारा, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेके आए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये पैटर्न होता क्या बेसिकली। तो ये पैटर्न होता है इस तरीके से हमें नजर आता है, पहले यहां पे फर्स्ट टॉप बनता है इसका, फिर इसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे जाता है, बीच में कहीं जाके प्राइस दोबारा से यहां पे प्राइस ऊपर जाता है, और जब दोबारा से प्राइस ऊपर जाता है तब हम लोग यहां पे अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं इसके अराउंड पे। और जैसे ही प्राइस दोबारा से इसको वैलिडेट करता है, यहां पे बेरिश कैंडल बनाता है, दोबारा से प्राइस नीचे चले जाता है इस टाइप से, तो इसे हम कहते हैं एम पैटर्न गाइस। और ये बहुत ही ज्यादा हमें बनता हुआ नजर आ रहा है हर एक फॉर्मेट के अंदर, इवन की क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा आपको ये बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स जो है इस पे ट्रेड लेते हैं। और दूसरा, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है, और ट्रेड हमें इनिशिएट तब करना है जब ये इसके टॉप के पास आता है, तब हम लोग करते हैं, बट ऐसे नहीं करते हम लोग, यहाँ पे बेरिश कैंडल का वेट करते हैं, एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करते हैं, उसे बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, एम पैटर्न इसको हम लोग बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो मैं आपको कुछ पिक्चर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया देंगे। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक पीक, फर्स्ट पीक बनी, यहाँ पे सेकंड पीक बनी, और सेकंड पीक के पास हमने इसको शॉर्ट करना, फर्स्ट वाली पीक के पास हमने शॉर्ट नहीं करना, ये चीज याद रखना। फर्स्ट वाली पीक पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, प्राइस दोबारा नीचे गया, ऊपर गया पीक के पास सेकंड, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, और हाउ टू ट्रेड एक वेबसाइट है, वहां से मैंने ये पिक्चर निकाली है, और ये आपके काफी काम की है। इसमें पैटर्न बताया हुआ किस हिसाब से, जैसे मैंने आपको लाइव बताया था उसी हिसाब से, यहाँ पे सेकंड पिक्चर में दोबारा सपोर्ट की तरफ आया, सपोर्ट लिया और दोबारा ऊपर गया राइट पीक के पास, वहां पे हमने इसे शॉर्ट किया, नीचे आया, दोबारा से ये प्राइस नीचे ही जाता। तो इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है, क्या इस पिक्चर में है, इस पिक्चर में आप एक चीज नोटिस करना, जो हमारा रिजेक्शन वाला एरिया है, तो सेकंड वाला जो हमारा टॉप है वहां पे हमने तब शॉर्ट किया जब यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स बनी है, आप देखोगे इतनी बड़ी बड़ी विग्स बन रही है, तब हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइम हम शॉर्ट करते हैं, जैसी विग्स यहाँ पे बनती है उसके आसपास हम लोग कहीं स्टॉप लॉस रखते हैं और दोबारा प्राइस नीचे आता है इस तरीके से। तो अब मैं आपको लाइव भी यहाँ पे चार्ट्स में दिखाना चाहूंगा कि इसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं। अब इसको लाइव जो चार्ट्स हैं, क्या ये लाइव चार्ट के अंदर भी ऐसा ही नजर आता है, बिल्कुल भी नहीं, लाइव चार्ट में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा। बाकी एक और चीज मैं बताऊंगा कि ये पैटर्न फेल कब होता है, फेल मतलब हर बार ही, ये जरूरी नहीं है पैटर्न प्ले होता है, जब ये फेल होता है तो ये किस हिसाब से फेल होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये आप देख सकते हो, एक लाइव मैंने बीटीसी का चार्ट यूज किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे एक एम पैटर्न बना हुआ। एम पैटर्न किस हिसाब से गया, जैसे हमने पिक्चर में देखा होता, ऊपर गया, दोबारा ये नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, सेकंड पीक बनाई, यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट किया, और रिजल्ट देखो आप, उसी हिसाब से चला जैसे हमें फोटो में नजर आया था, पहले ये नीचे गया, दोबारा ऊपर आया, फिर ये दोबारा लिया, फिर ये नीचे ही जाता रहा, आप देख सकते हो कि अच्छा खासा नीचे गया। तो मतलब कि एम पैटर्न अच्छा खासा प्ले होता है गाइस, और इसमें ये काफी प्रॉफिटेबल होता है, नो डाउट, मैंने तो बहुत बारी यूज किया है। इसको हम कहते हैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग,
मतलब कोई इंडिकेटर नहीं कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ एम पैटर्न बना वहां पे हमने शॉर्ट कर दिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न काफी अच्छा प्ले होता है, मतलब ये पैटर्न फेल नहीं होता। जिस तरह के आपने देखा होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफी बार फेल हो जाता है, और वो क्यों होता है आपको नेक्स्ट कोई आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आपको हेड एंड शोल्डर पे वीडियोस चाहिए, और वो कब इतना सटीक होता है, कब हमें उसे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, कब हमें इस पे बाय करना चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे आपको वीडियो चाहिए, मैं जरूर लेके आऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो ही मैं वीडियो लेके आऊंगा, अदरवाइज हम लोग नहीं लेके आएंगे। तो बाकी इस तरीके से जब ये प्ले होता है गाइस, और यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, इट्स लाइक अ डबल टॉप पैटर्न, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया, ये एम की तरह नहीं बना, ये सिर्फ एक डबल टॉप बनाया इसने। क्या ये यहाँ पे वैलिड हुआ? ये एम पैटर्न नहीं बनाया इसने। इसने क्या किया, ये ऊपर नहीं गया, इस हिसाब से नहीं प्ले हुआ, ये इस हिसाब से प्ले हुआ। ये तो लाइक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप बना हुआ है, आप देखोगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, और प्राइस यहां से ऊपर चलेगा। बट हम लोग अभी इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एम पैटर्न की। तो एम पैटर्न और कितना बना है मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव चार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। आपको भी ढूंढना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि एम पैटर्न आपको कहां का नजर आया। थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली थोड़ा इसमें डिफरेंट आपको लाइव मार्केट में नजर आता है ये एम पैटर्न, बट इसको जज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक और आपको एग्जांपल मैं आप दिखाना चाहूंगा कि किस हिसाब से यहाँ पे जो है प्ले हुआ, और ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो एम पैटर्न बहुत अच्छे से प्ले हुआ, ये टॉप बना, ये यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट किया, दोबारा टॉप बना, और प्राइस नीचे गया, अच्छा खासा नीचे गया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आप देखोगे तो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिला, इस तरीके से यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ। हम लोग चाहे तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हैं, एम पैटर्न का बहुत ही सिंपल चीज है। जैसी यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स बने यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखो, एक छोटा स्टॉप लॉस बनेगा आपका, बहुत बड़ा तो स्टॉप लॉस बनने नहीं वाला, क्योंकि एम पैटर्न एक छोटा, एम पैटर्न का यही है एक बढ़िया रूल है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है। स्टॉप लॉस आपने यहाँ ऊपर रखा, नियर बाय इसके ऊपर रख लिया जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, उसके बाद नीचे गिरा प्राइस, अच्छा खासा नीचे गिरा, दोबारा से प्राइस में उछाल आया, बट हमारा जो टारगेट है वो तब तक अचीव हो चुका था। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पैटर्न है, इसको आप कर सकते हो। और दूसरा, प्रॉफिट कितना रख सकते हो वो मैं आपको आइडिया देना चाहूंगा कि आप कितना प्रॉफिट रखना चाहते हो। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 1% का रख लेते हैं या आधा परसेंट का रख लेते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट हमारा यहाँ पे बनेगा जितना हमारा पुराना लो होगा एम पैटर्न का, उतना आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, यानी कि आपका लगभग यहाँ पे आपने 0.5% का स्टॉप लॉस रखा, उसके बदले आपने 3.5% का प्रॉफिट, यानी कि 1:4 आपका यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो बन रही है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक प्रॉफिट रखने का। तो गाइज मैं ये बोलना चाहूंगा ये काफी प्रॉफिटेबल वाला ये पैटर्न है, और मैं आपको इसको बोलूंगा कि आपको यूज करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे इसमें, और प्रैक्टिस करने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यहाँ पे फायदा हुआ या नहीं हुआ इससे, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली फायदा हुआ है जब भी मैंने इसको यूज किया है, और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है मुझे। कई बार मार्केट हमें छकाती भी है, आप देखोगे तो यहाँ पे डबल टॉप बना था ये भी, बट मार्केट नीचे गई, दोबारा उस एरिया से इसने सपोर्ट लेके ऊपर चलेगी। तो लास्ट ट्रेड भी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लगभग डबल टॉप की तरह ही इसको पकड़ा था। जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा ऐसा नहीं दिखता जैसे हमें किताबों में नजर आता है, पिक्चर्स में नजर आता है, लाइव चार्ट में थोड़ा डिफरेंट भी नजर आता है। यहाँ पे ये देखो डबल टॉप ये पैटर्न बना इस तरीके से, बट ये फेल कब हुआ? फेल तब हुआ जब प्राइस दोबारा से यहाँ पे आया और ये नीचे गिरने के बजाय ऊपर चलेगा, ऊपर गया, जब ये एरिया दोबारा, जब ये लोगों को इसने बेवकूफ बनाया, बट मुझे यहाँ पे पता था यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो जरूर देख लेना आप, आपको फायदा मिलेगा। जैसे ही इसके पास आया मैंने यहाँ पे दोबारा शॉर्ट, मतलब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, मैंने अराउंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे दोबारा आया शॉर्ट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो हमेशा से ऐसे नहीं होता, आपको ये चीज याद रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी काम करना है। एम पैटर्न के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, और आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओ तो ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। मतलब एम पैटर्न बना है, अगर आपको ऊपर उसके रेजिस्टेंस नजर आ रहा है तो आप और ऊपर थोड़ा जा सकते हो, ज्यादा नहीं,
नहीं तो बेसिकली क्या होता है कि आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे स्टॉप लॉस एग्री करो। बट मैंने वहां पे क्या किया, मैंने स्मार्ट प्ले किया, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया इसके ऊपर, मैंने थोड़ा और ऊपर लगा दिया जहां पे इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर चले गया। तो इस तरीके से होता है गाइज एम पैटर्न। आई होप आपको यहाँ पे लर्निंग मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या क्या लगती हैं, आप वीडियो पूरी भी देखते हो या नहीं देखते हो ये भी जरूर बताना मुझे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।